Hello students, now I am starting exercise 14.3. So in this exercise we have to find median. So question number 1, that is, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. We have to find here all the three measure of central tendency. So here first we find firstly median. So it is given that monthly consumption is given it is given 65 to 85 65 to 85 85 to 105 105 to 125, next is 125 to 145, next is 145 to 165, next is 165 to 185, and last is 185 to 205, difference of 20 ka difference hai. number of consumers or isse hum fi keh sakte hain, frequency, clear? So it is we denote fi, that is given 4 5 13 20 4 5 13 20, next is 14 8 4 14 8 and 4, it is given. Now firstly we find median. So median find karne ke liye dekhiye, firstly we have to add frequencies. So 4 5 9 13 22 20 42 14 56 8 64 4 68, that is N, capital N. Now we have to find CF, that is cumulative frequency. Isko hum denote karte hain CF se, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में हम सी एफ कह देते हैं, ठीक. नाउ दैट इज हाउ वी कैन फाइंड फर्स्ट क्यूमुलेटिव, मीन्स होता है कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कलेक्ट हो जाएगी, एड हो जाएगी. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है वो एज इट इज, क्योंकि वो किसी में कलेक्ट नहीं हो रही है. 4 में 5 कलेक्ट होगी, मीन्स एड होगी, दैट मीन्स 9 वी गेट. 9 में 13 एड होगी, तो 9 प्लस 13 इज 22. 22 में फिर 20 एड हो जाएगी, मीन्स 42. 42 में 14 एड होगी, तो 56. 56 में 8 प्लस हुआ तो 64. 64 में 4 प्लस हुआ तो 68. हमें चेक करना है CF की लास्ट वैल्यू और N मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम, बोथ शुड बी इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसीज को प्लस ही कर रहे हैं, सबको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. 1 फिर 2 आ गया, 2 को प्लस करके रख दिया, फिर 3 को प्लस करके पुट कर दिया, 4 को प्लस करके वहाँ रख दी वैल्यू, बट यहाँ पे सबको एक साथ कलेक्ट करके हमें वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है. तो ये टेबल इतना ही, मीडियन में इतनी टेबल बनेगी. अब हम पहले मीडियन फाइंड कर ले रहे हैं. सो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें पहले चेक करना होता है n अपॉन 2, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म. तो n का हाफ, जितनी टर्म्स हैं उसका हाफ हमें देखना है. तो 68 अपॉन 2, दैट विल बी 34. नाउ 34 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू इन CF कॉलम. तो CF के कॉलम में 34 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 42. तो हमें मिल गई वैल्यू 42, और 42 के सामने जो क्लास इंटरवल है दैट इज आर मीडियन क्लास. So we have median class, that is 42 के सामने, that means 125 to 145. Now its lower limit is denoted by small l, that is equals to 125. H, that is the gap, means class size difference, किसी का भी ले लेंगे, हमारे पास अभी यही difference class interval है, तो इसी को हम माइनस करके रखते रहे वैल्यू, ठीक है. किसी को भी माइनस करेंगे वैल्यू सेम आएगी. H 20 हो गया. नाउ एफ और सी एफ दो वैल्यू और आएंगी. तो एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास इज 125 to 145, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, तो स्मॉल एफ इज 20. नाउ सी एफ, तो सी एफ जो है सी एफ वाले कॉलम में होगा, बट प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास मीन्स इसे पहले वाला क्लास है 105 to 125, और सी एफ इज 22, सो दैट इज 22. नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला. So median equals to L plus N upon 2 minus CF upon F into H. That is the formula. Now we can put the values. So if we put the values, so L, the value of L, that is 125 plus N upon 2, that is 34, minus CF, that is 22, upon F, that is 20, or into H, that is also 20, clear.
दिस 20 कैंसल्ड बाय 20 बन जा. नाउ 125 प्लस 34 माइनस 22 इज 12. सो 125 प्लस 12 दैट विल बी 137. दैट इज द मीडियन. क्लियर. 137 इज द मीडियन. नाउ वी हैव टू फाइंड मीन एंड मॉड ऑल्सो. तो फर्स्टली वी फाइंड मॉड एंड देन वी फाइंड मीडियन. और फर्स्टली वी फाइंड मीन. सो मीन के लिए देखिए इसी कॉलम को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं. मीन के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क. तो अब हम क्लास मार्क यहाँ पे लिख रहे हैं. क्लास मार्क मीन्स एक्स आई. किसी भी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. तो क्लास मार्क के लिए देखो 65 और 85 का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2. एक और भी फॉर्मूला है एक्स आई फाइंड करने का, मैंने आपको शायद बताया भी होगा. एक्स आई होता है स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल माइनस एल अपॉन 2, यानी कि जो विड्थ है उसका हाफ करके स्मॉल एल में प्लस कर देंगे. तो विड्थ कितना है 20, 20 का हाफ हुआ 10, 10 65 में प्लस करेंगे तो 75, 85 में 10 प्लस करेंगे तो 95, 105 में 10 प्लस करेंगे तो 115, नेक्स्ट 135, नेक्स्ट इज 155, नेक्स्ट इज 175 एंड नेक्स्ट इज 195. देखो डायरेक्ट मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो हमें यूज़ करना होगा एज्यूमिंग मेथड. सो फॉर दिस वी कैन फाइंड डी आई दैट इज एक्स आई माइनस ए. सो वी हैव टू एज्यूम ए मीन्स एज्यूम मीन. तो किसको एज्यूम करेंगे, मिडिल टर्म लेते हैं. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3, 4, 3, 7 टर्म्स. सो फोर्थ टर्म दैट इज 135. सो ए हमें एज्यूम करना है, लेट ए इक्वल्स टू 135. Now we have to subtract 135 from all terms. So 75 minus 135 that is minus 60. 95 minus 135 so minus 40. 115 minus 135 minus 20. 135 minus 135 0. 155 minus 135 20. 175 minus 135 40. 195 minus 135 60. Clear? Now last column is FI and DI. We have to multiply by frequency table. So 4 into minus 60 that means minus 240. Next 5 into 40 so minus 200. Next 13 into 20 minus 260. 20 into 0 to 0. 14 into 20 14 to the 28 so it is 280. 8 into 40 320. Next is 4 into 60 that is 240. Now we have to plus add karna is column ko. To dekhiye plus karenge. पहले माइनस के प्लस कर लो एंड देन प्लस के. तो 240 और 260 हो गया 500 और 200 मीन 700. तो माइनस का हुआ 700 माइनस 700. प्लस का कितना हुआ देखिए, प्लस का हमारे पास आ रहा है कितना 280 और 320. 235 ये 600 हो गया और 240 यानी कि 640. तो प्लस का हुआ 840 और 840 में से 700 जाएगा तो प्लस का बचेगा 140. दैट इज समेशन ऑफ एफ आई डी आई. Summation of FI we have n that is 68. Now we use the formula for mean. So mean equals to a plus summation of FI DI upon summation of FI. I equals to 1 to n. I equals to 1 to n. Now put the values. So a that is a is 135 plus summation of FI DI that is 140. डिवाइड बाई एन दैट इज 68. तो 68 से डिवाइड करना है, देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर लीजिए. 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 या 12 220, 4 5 या 20. 4 से 4 1 या 4 228, 4 7 या 28. नाउ 135 प्लस 17 से डिवाइड कर लेंगे 35 को, तो 17 2 या 34, 1 इज लेफ्ट डेसिमल सो 0 यानी कि 10. 10 में टेबल नहीं पड़ जाएगी 0, तो एक और 0 बढ़ जाएगा 100. 17 5 जा 85 और 17 6 जा 102, तो अप्रॉक्स 6 आ जाएगा क्योंकि 5 के बाद 9 अप्रॉक्स आएगा जब हम नेक्स्ट टेबल बढ़ेंगे, तो हम इसे 6 लिख रहे हैं. सो 135 इनटू 137.06 दैट इज द मीन. तो मीडियन आया 137 और मीन आ गया 137.06, थोड़ा सा डिफरेंस आया. नाउ वी हैव टू फाइंड मॉड ऑल्सो. सो मॉड के लिए कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती है, तो मॉड हमें ही फाइंड कर ले रहे हैं. मॉड के लिए हमें देखना होता है हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो मॉड के लिए हम फाइंड कर रहे हैं. सो फॉर दिस हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी में चाहिए होगी. सो विच इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, टेल नाउ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एफ आई में 20. तो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20 और इस हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एफ वन. क्लियर. तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं एफ वन. इससे प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम नोट करते हैं एफ जीरो
और उसके नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2, तो F0 हो जाएगा 13, F2 हो जाएगा 14। उससे पहले जब हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिली तो उसका क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा मॉडल क्लास, क्योंकि मॉड फाइंड कर रहे हैं तो 20 के सामने 125 टू 145 दैट विल बी मॉडल क्लास, सॉरी सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास विल बी 125 टू 145, इट्स लोअर लिमिट मीन्स 125 दैट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एल, सो इट इज 125 एंड एच इज द क्लास साइज मीन्स गैप ऑफ द इंटरवल्स, सो 145 माइनस 125 दैट विल बी 20, सेम होगा यहाँ भी हमने एच फाइंड किया था 20 आया, सेम यहाँ पे भी मीडियन क्लास आपका 125 टू 145 ही आया था और यहाँ पे भी वही आया, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी बोथ आर सेम, ओके सो नाउ एल हाँ एच इज 20, नाउ वॉट इज लेफ्ट हियर F0 and F2. So F0 is the frequency of previous class of model class. So model class tha 125-145, preceding class 105-125. So F0 is 13 and F2 that is 14. Next. Now mod formula we are using. Mod is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Here we are using bracket, clear? Now putting the values, so L that is 125 plus F1 minus F0, firstly we are putting the bracket, F1 minus F0, so F1 is 20 minus F0 is 13, so 20 minus 13 upon 2F1, so 2 into F1 that is 20 minus F0 13 or minus F2 that means 14 bracket close into H that is 20. Now 125 plus 20 minus 13 is 7 or 7 into 20 27 ja 140 divided by 2 into 20 means 40, 13 or 14 27, so 40 minus 27 means 13. Now 125 plus 13 se divide kar lenge, to 13 1 ja 13 how much left 1, 10 बचा 0 आ गया तो 10 में टेबल नहीं पड़ी जाएगी, मींस 0 एंड डेसिमल 100 हो जाएगा, 13 7 जा 91 हाउ मच लेफ्ट 9 90 13 7 जा वी आर पुटिंग 6 आएगा 78 क्योंकि 13 7 जा 91 9 बच रहा है तो 90 वन डिफरेंस है नो प्रॉब्लम, सो इट विल बी 125 एंड 10 दैट इज 135.77 दैट इज द मोड, क्लियर, दिस इज द मोड एंड दैट वन इज मीन and that one is median, all the three answers we get. Now what is the question at last, they ask the find the median, mean and mode of the data and compare them, so compare kare means which one is greater, so greater hai dekhiye mean jo hai that is greatest value and mode is the lowest value, theek hai, inko agar hum interpret karna chahe to mean kya hota hai average, to ye kya hai consumption hai monthly consumption, kiska consumption hai ye electricity ka hai I think, यस इलेक्ट्रिसिटी, तो एवरेज जो कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज़ 137.06 और मिडिल यानी कि होल मिडिल टर्म जो है वो 137 है और मोड यानी कि हाईएस्ट जो कंजम्पशन वाले लोग हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं 135.77, ओके सो दिस इज द क्वेश्चन वन, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकेंड, now we move to next question that is second question is if the median of distribution given below is 28.5 find the value of x and y, so we have to find the value of x and y, how we can find, so check second here class interval is given, so class interval you could write it ci also, in short we say it ci, so that is given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, that is the last value. Now next is frequency that is denoted by fi, so it is given 5x 20 15, next is y, next is 5
एंड टोटल इज गिवन 60, क्लियर। नाउ मीडियन इज गिवन 28.5, तो मीडियन गिवन है 28.5, वो हम जब यूज़ करेंगे फॉर्मूला वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मींस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज कलेक्टेड एडेड। तो 5 इज सेम, 5 में एड x होगा तो 5 प्लस x हो जाएगा, 20 प्लस होगा तो वेरिएबल में ऐड नहीं होगा, मींस कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 20 इज 25 और प्लस x एज इट इज रहेगा। नाउ प्लस 15, तो 25 प्लस 15 इज 40 प्लस x, नाउ 40 प्लस x प्लस y, तो y वेरिएबल अलग हो जाएगा, ऐड नहीं होगा ये, 40 प्लस x प्लस y, बस लिखना है। प्लस 5 होगा तो 40 में ऐड हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y, क्लियर। नाउ दिस टोटल वैल्यू शुड बी इक्वल टू n, इट इज गिवन n नंबर ऑफ टर्म्स, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो बोथ आर इक्वल, सो हियर सिंस n इक्वल्स टू 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। नाउ इफ वी सेपरेट x प्लस y इक्वल्स टू 45 कम्स इन सब्ट्रैक्शन, 60 माइनस 45 दैट इज 15, वी एज्यूम इट इक्वेशन 1। नाउ हियर मीडियन इज गिवन, सी we have to find n by 2, so we are finding n by 2, so n upon 2 that is 60 upon 2 that means 30. Now how we can check more than 30 in CF, so 30 is a more, 25 plus x it may be, if x more than 5, if x less than 5 then how we can say it is greater than 30, and 40 plus x it should be, it must be greater than 30, but how we can check for 25 plus x can't be, okay, so for this median is given, so we can check the median class by the median. So since median is 28.5 and we know the median lies between median class, 28.5 kis mein lie kar raha hai, 20 to 30 means 25 plus x hoga, so therefore median class, to jab median aapko given hoga us time aapko median class dhoondne ke liye n by 2 की जरूरत, तो या तो एन वाई टू फॉर्मूले में चाहिए होगा, बट एन वाई टू से हम ऐसे सी एफ को नहीं चेक करेंगे कि उससे ग्रेटर कौन सा है, सिंपली मीडियन क्लास, जिस जो मीडियन गिवन होगी वो जिस क्लास इंटरवल में आ रहा है वही मीडियन क्लास होगा, तो इट विल बी 20 to 30। नाउ 20 to 30 हो गया, सो नाउ वी हैव टू फाइंड एफ, सो एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20, तो एफ इज 20, सी एफ प्रीसीडिंग क्लास मीन्स 5 प्लस एक्स, सी एफ इज 5 plus x, and L lower limit that is 20, L is 20, and H that is class size difference of class interval 30 minus 20 that means 10. Now we can use formula for median, so we are using here median, that is L plus n upon 2 minus CF upon F into H. Now median is given 28.5, so 28.5 that is equals to L 20 plus NY2 that is 30 minus CF. CF is 5 plus X, so we have to put in bracket upon small f that is frequency, it is 20 into H, H is also, H is 10, clear. Now 0 0 cancel means 10 to 20, 2 is left. This 20 we can separate in LHS transfer, so 28.5 minus 20 equals to 30, open the brackets, so minus 5 minus plus minus x upon 2, 28.5 minus 20 that will be 8.5, this 2 comes in multiply, that is equals to 30 minus 5, so it is 25 minus x, 8.5 into 2 that is 17, minus 25 we are transferring here, so it is equals to minus x, means minus 8 equal to minus x, that means we can get x equal to 8, minus minus cancel out. Now this value we can put in equation 1, then we can find y, so from equation 1 x plus y means 8 plus y equals to 15, so y will be 7, that is your answer. Two answers aage, x ki value aage 8 and the value of y we get 7, clear, that is your answer. Now we move to next question, that is third, so I'm erasing it. Third question, now in third question there is a table given with frequencies below, means
CF is given. Question is, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policies holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years. देखिए यहाँ पे जो 18 years से ऊपर के लोगों को पॉलिसी दी जा रही है, मीन्स अगर हम देखें तो 18 से नीचे वाले को फ्रीक्वेंट वो पॉलिसी नहीं दी जा रही है. क्लियर, ये गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में. नाउ व्हाट इज गिवन, हाँ एंड ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 से लेस वालों को. तो एज इज गिवन बिलो 20 से कम, यानी कि 18 से 20 के लिए. एज इन ईयर्स बिलो 20 एंड बिलो 25 इट इज गिवन. सो द टेबल वी आर ड्रॉइंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज इन ईयर्स दैट इज बिलो 20, नेक्स्ट बिलो 25, नेक्स्ट इज बिलो 30 टिल 60, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड देन 60. इट इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स बट इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज CF. हाउ वी कैन चेक, वेट 26, फर्स्टली आई एम नोटिंग क्वेश्चन 26, 24, नेक्स्ट इज 45, 78, नेक्स्ट इज 89, 92, नेक्स्ट इज 98 एंड 100. नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना है. ओके, सो फॉर मीडियन फर्स्टली वी हैव टू राइट द टेबल, टेबल हमें इसको लिखना है. ओके, सो हाउ वी कैन, ओके नाउ फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन टू क्लास इंटरवल. कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए बिलो 20, बिलो 25 और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी में लिखनी है. देखो 5-5 का डिफरेंस है, तो 5-5 का डिफरेंस यानी बिलो 20 का मतलब 15 से 20 होगा. हालांकि हमें कहा है कि 18 से स्टार्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो आप 18 टू 20 भी लिख सकते हैं और 15 टू 20 भी लिख सकते हैं. क्योंकि अगर 18 से स्टार्ट हो रही है तो 15 टू 18 वाला तो जीरो होगा. तो अगर हम 18 टू 20 जितने भी कंज्यूमर्स होंगे यानी पॉलिसी होल्डर्स होंगे वही 15 टू 20 में भी होंगे, क्योंकि दो कंज्यूमर हैं, ये 18 से 20 इनकी एज होगी. बट अगर हम इसे 15 टू 20 लिखेंगे तो भी टू ही कंज्यूमर्स होंगे, यानी कि सॉरी पॉलिसी होल्डर्स, बात वही है, कस्टमर ही है वो, तो वो भी टू ही होंगे. तो हम इसे 15 टू 20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल अगर सेम रखना है तो ठीक है. अदरवाइज 18 टू 20 भी लिख सकते हैं, उसको फर्क नहीं, केवल एक क्लास इंटरवल आपका चेंज हो रहा है ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 5-5 का है. तो हम 5 से ही माइनस करेंगे, हालांकि क्वेश्चन में 18 टू 20 लिखा है, आप इसे 18 टू 20 भी लिख सकते हैं. ओके, तो 15 टू 20, नेक्स्ट 20 टू 25 वी आर राइटिंग, नेक्स्ट इज 25 टू 30, नेक्स्ट इज 30 टू 35, नेक्स्ट इज 35 टू 40, नेक्स्ट इज 40 टू 45, नेक्स्ट इज 45 टू 50, नेक्स्ट इज 50 टू 55 एंड लास्ट इज 55 टू 60. हाउ वी कैन फाइंड पॉलिसी होल्डर्स बिटवीन दिस एज, सो इट इज एज एंड नेक्स्ट कॉलम इज सेम नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स, और अब हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी FI कह सकते हैं ठीक है. क्यों, अभी क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी की मैंने, क्लियर है, तो हम इसे FI कह रहे हैं. नाउ हाउ वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्लास इंटरवल, चेक आई एम नोटिंग वन रफ वर्क से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे. अगर मैं ये कुछ लाइन बनाई मैंने और यहाँ पे बिलो 20 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 20 मार्क किया, तो बिलो 20 यानी कि ये वैल्यू जितनी भी हैं आगे ठीक है, कितनी वैल्यू हैं, कहाँ तक जा रहे हैं बिलो नहीं पता, कितनी वैल्यूज हैं, 2 गिवन है ठीक है. और बिलो 25 अगर हमें 25 मार्क कर रहे हैं, तो बिलो 25 कितना है, 6 है ठीक. ऐसे ही बिलो 30 कितना है, 24 है. 2 या 3 आप रिप्रेजेंट कर लो, इससे पूरा मेथड आपको क्लियर हो जाएगा. ये 24 हो गया, ये 30 है, बस इतना सफिशेंट है. अब गैप कितना है, 5-5 का गैप है, तो एक इससे पहले जो वैल्यू है वो कितना मार्क मेंशन कर लो आप, 15, जितना गैप है उसके अकॉर्डिंग ठीक. नाउ 15 टू 20 देखो, अगर 20 से कम वाला वैल्यू 2 है तो 15 टू 20 भी 2 ही होगा, क्योंकि और इधर कोई वैल्यू है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि 15 टू 20 में वैल्यू क्या मिल गई, 2.
नाउ 25 से कम वाली वैल्यू बिलो 25 दैट इज 6 एंड बिलो 20 दैट इज 2 मींस इफ वी फाइंड द वैल्यू फॉर 20 टू 25 दैट मींस वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज सो 6 - 2 दैट इज 4 तो 6 - 2 दैट इज 4 नेक्स्ट इज बिलो 30 दैट इज 24 एंड बिलो 25 दैट इज 6 24 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 25 टू 30 की वैल्यू मिल जाएगी 24 - 6 इज 18 दैट मींस 24 - 6 = 18 तो अब और ज़रूरत नहीं है केवल इससे हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में से नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है क्लियर तो 24 - 6 = 18 हो गया नेक्स्ट वैल्यू में कैसे मिलेगी हाउ वी कैन फाइंड 45 - 24 दैट विल बी 21 78 - 45 दैट इज 33 नेक्स्ट 89 - 78 दैट इज 21 11 That is 11. 92 - 89 that is 3. 98 - 92 that is 6. 100 - 98 that is 2. इनको प्लस कर लें तो वो क्या मिलेगा हमें n. तो n कैसे होगा 2, 4, 6, 18 24, 21, 45, 33, 78, 11, 89, 392, 698, 200 देखिए जब मैं प्लस कर रहा था तो आप देख रहे होंगे कि जो वैल्यूज हैं प्लस वाली तो दी हुई है 2 और 4 प्लस हो गए 6 आ रहा है फिर 6 प्लस 8 करके 24 आ रहा है वही वैल्यूज है मींस जो एक कॉलम दिया हुआ था ये हमें क्या दिया हुआ है CF जो CF वैल्यू होती है वो बिलो वाले टेबल के लिए होती है यानी कि बिलो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे कम वाले के लिए पूरी वैल्यू दी होती है वो CF होती है अब FI आ गया देखो CF अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो CF हमारे पास ये है बट ट्राई टू फाइंड आउट रिपीटेडली इसको दोबारा हम लिख लें इससे क्या फ़ायदा होगा जो हमारी एक हैबिट बन जाती है ना कि हमें जो CF लेना है वो उससे प्रीसीडिंग क्लास का लेना होता है अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ रख लेंगे तो CF यहाँ होगा बाई चांस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमें इसको पहले वाली वैल्यू लेनी है कि इसको सेम वाली वैल्यू लेनी है कौन सी सेम लेनी है ठीक है इसलिए इसको हम दोबारा बना ले रहे हैं है वही कॉलम 2 और 4, 6 तो पहला तो 2 में 4 प्लस हुआ 6 या ये रिपीट कर दो सेम ही रहेगा 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 200 ठीक है दोबारा लिख ही दो बेटर होगा नाउ एन वाई टू अब हमें क्या फाइंड करना होता है पहले एन वाई टू तो एन 100 है 100 वाई टू कितना हुआ 50 नाउ 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू किस में हमें देखनी है CF में कितना है 78 तो इसका क्लास इंटरवल कौन सा है 35 - 40 दैट मीन्स वी गॉट मीडियन क्लास सो मीडियन क्लास विल बी 35 - 40 इट्स लोअर लिमिट मीन्स L दैट इज 35 H इज द क्लास इन गैप क्लास साइज सो 40 - 35 दैट मीन्स 5 Now, F, frequency of median class, that is 33. And CF is the CF of preceding class. So, 35 to 40 se pehle 30 to 35, iski CF hai 45. So, CF will be 45. Now, we can use formula for median. So, median, that is equals to L plus N upon 2 minus CF upon F into H. Putting the values, so L is 35. Plus n by 2 means 50 minus CF that is 45 upon F that is 33 into H that is 5. So 35 plus 50 minus 45 that is 5. 5 fives are 25 and divide by 33. 33 se divide karenge 25 ko decimal mein value aayegi 35 plus 0.338 I think 8 पढ़ सकती है वैल्यू 3 या 24 2 26 ज़्यादा हो जाएगा 7 समथिंग आएगा सो 35.76 तो 0.76 आ रहा है इसको ठीक है अप्रॉक्सीमेट लिख दे रहा हूँ मैं आंसर सो 35.76 दैट इज द एज ऑफ मीडियन एज मीन्स मिडिल एज ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर सेम सो फोर्थ क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग एंड रिमेनिंग डू योर सेल्फ ओके In fourth question, there is a table which is given not continuous. So we have to convert into continuous class interval. And in class 9th, you studied continuous data कैसे convert करेंगे जब हमें upper limit of previous class and lower limit of next class में जो difference आता है उसको हमें same करना होगा तो question number 4, it is given that length, same question है ये length आपको वहाँ पर histogram बनाना था इसका in millimeter. Okay, it is given and it is 118 to 126, 126. Next is 127 to
5, देखो यहाँ पे 126 पे फिनिश हुआ और यहाँ 127 से स्टार्ट हुआ, यही गैप आपको इक्वल करना है, ठीक है, नॉर्मलाइज करना है इस गैप को। नेक्स्ट वैल्यू इज़ 136 टू 144, नेक्स्ट इज़ 145 टू 153, नेक्स्ट इज़ 154 टू 162, नेक्स्ट इज़ 163 टू 171 एंड लास्ट वैल्यू इज़ 172 टू 180। क्लियर? नंबर ऑफ लीव्स हम इसे बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लें, देन वी आर राइटिंग द नंबर ऑफ लीव्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर? फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। सो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसे, लेंथ यही कॉलम सेम रहेगा, लेंथ ही रहेगी वो, बट इन कंटिन्यूस फॉर्म, लेंथ इन कंटिन्यूस इंटरवल, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल CI लिख दे रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। सो नाउ कॉलम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आएंगी ना, तो 180 देखिए 126 और यहाँ 127 गैप कितना है, 1 का गैप है, तो उस 1 गैप को फिल करने के लिए उसका हाफ करना है, मीन्स 0.5 आ जाएगा, और उस 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस कर देना है। तो लोअर लिमिट में माइनस करेंगे मीन्स 118 में से माइनस होगा, सो इट इज़ 117.5 और यहाँ प्लस कर देंगे तो 126.5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अगेन सब्ट्रैक्ट 126.5 टू, पहले सब्ट्रैक्ट वाले लिखो, 136 में से माइनस हुआ तो 135.5, नेक्स्ट 145 में से 0.5 माइनस होगा तो 144.5, 154 में से माइनस होगा सो 153.5, 163 में से माइनस होगा सो 162.5, नेक्स्ट इज 172 में से माइनस होगा 0.5 सो 171.5। नाउ हियर प्लस करना है, सिंपल 0.5 आगे लिख देना है, तो 135.5, 144.5, 153.5, नेक्स्ट इज 162.5, नेक्स्ट इज 171.5 एंड नेक्स्ट इज 180.5। क्लियर? सो इट इज CI क्लास इंटरवल। नाउ फ्रीक्वेंसी वी आर राइटिंग, एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट इज गिवन, नंबर ऑफ लीव्स 3, 5, 9, 12, नेक्स्ट इज 5, 4, 2, 5, 4, 2, दैट इज नंबर ऑफ लीव्स, एंड फॉर दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय FI फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वी आर फाइंडिंग हियर बाय एडिंग नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इन द प्रीवियस, सो 3 + 5 = 8, फर्स्ट सेम रहेगा 3 में 5 ऐड हुआ तो 8 में 9 ऐड हुआ 17, 12, 29 और 5, 34 एंड 4, 38 एंड 2, 40। क्लियर? बाकी क्वेश्चन सेम है, केवल एक कॉलम ही एक्स्ट्रा था, बस इसमें आपको देखना था जो गैप है 126 127 के बीच का वो 1 था, उसको हाफ किया तो 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देना है और अपर लिमिट में प्लस कर देना है, मीन्स ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, तो ये आ गई। अब हमें n को फाइंड करना है FI को प्लस करके, तो यही सेम होगा, 40 हमने आप मेंशन कर दिया, दैट इज n इक्वल्स टू 40। नाउ वी हैव टू फाइंड n/2, सो वी आर फाइंडिंग हियर n/2, दैट इज 40/2, दैट विल बी 20, जस्ट ग्रेटर देन 20, दैट इज 29, मीन्स क्लास इंटरवल इज, सो मीडियन क्लास, नाउ मीडियन क्लास इज 144.5 टू 153.5, तो इट्स लोअर लिमिट इज स्मॉल l, तो l हो जाएगा 144.5 और h होता है इनका गैप क्लास साइज, सो 153.5 माइनस 144.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, 153 में से 144 माइनस होगा 13 में से हो गया 9। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड f एंड CF, सो f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दिस वन, सो इट इज 12, सो f इज 12 एंड CF इज द CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो इससे पहले मीन 17, तो CF इज 17। नाउ वी यूज द फॉर्मूला मीडियन, दैट इज इक्वल्स टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन f इनटू h, पुट द वैल्यूज, सो l इज 144.5 प्लस n/2 दैट इज 20 माइनस CF दैट इज 17 अपॉन f दैट इज 12 इनटू h दैट इज 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3, 3 = 9, 3, 4 = 12, नाउ 144.5 प्लस 20 माइनस 17 इज 3 और 3, 3 = 9 अपॉन 4, 9 को 4 से डिवाइड कर देंगे
सो 144.5 प्लस 4 to 8, 1 इज लेफ्ट, 10, 4 to 8, 2, 20, 4 to 5 to 20. ऑन एडिंग वी विल गेट 146.75, दैट इज द मीडियन. एंड रिमेनिंग क्वेश्चन टू योर सेल्फ. ओके, यू